तो देखता हूँ लिफ्ट मिलती भी या नहीं मिलती है। तो भाई साहब रोक दिया क्या पहली बार में? तो भाई साहब तो आ रहे हैं, देखते हैं कल। आई थिंक टैक्सी ना हो भाई। एक छोटी लिफ्ट मिली थी इस ट्रक के पीछे, अब जाना पड़ेगा वापस से। मैंने कहा था कि बहुत छोटी छोटी आज लिफ्ट मिल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था आज दिन उतना अच्छा नहीं है। हालांकि यहाँ पर था मैं। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और आवाज़ भी आ रही होगी। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा कैमरा टेढ़ा भी है। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ हिचहाइक करने के लिए। मैं जा रहा है अबखाज़िया। मेरा जो जॉर्जिया आने का जो मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे अबखाज़िया देखना था। हालांकि मैं आपको तिबिलिसी में उतना कुछ दिखा नहीं पाया, बट भाई मैं ऐसे ही सो रहा था। पता नहीं तिबिलिसी में मेरा जो रूप टूप टॉप था वही अच्छा लग रहा था, बाकी मुझे सिटी घूमने का उतना मन नहीं किया। एक बार मैं सिटी टूर वॉक टूर पे गया, वॉकिंग टूर पे गया था, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आगे ऊंचाई करने के लिए देखता हूँ, मुझे लग रहा है ठीक ठाक जगह मिल रही है ऊंचाई करने के लिए। आपको दिखा देता हूँ, ये भाई कुछ ऐसा यहाँ पे नज़ारा अगर आप इस तरफ देखोगे तो। देखता हूँ भाई कितने देर में लिफ्ट मिलती है। जेनेक्स का यहाँ पे गैस स्टेशन है। नहीं सही, चाहिए चाय करने के लिए तैयार हूँ। छोटा वाला बैग ही मेरा है, मैंने भरा वाला बैग टांग रखा है। तो देखता हूँ लिफ्ट मिलती भी या नहीं मिलती है। तो भाई साहब रोक दिया क्या पहली बार में? तो भाई साहब तो आ रहे हैं, देखते हैं कल। आई थिंक टैक्सी ना हो। भाई साहब से पूछ लेंगे, भाई साहब के पास जगह नहीं है क्योंकि भाई पूरा एकदम बंद पड़ा हुआ है। तो ट्राई करते रहता हूँ, देखता हूँ जब लिफ्ट मिलेगी तो आपको बताता हूँ। हालांकि लिफ्ट लेने का जो सबसे आसान तरीका होता है, आसान तरीका क्या होगा, मतलब आपको सिटी के बाहर तो आना ही पड़ेगा। और वही मैं तिबिलिसी मॉल की तरफ आया था, तिबिलिसी मॉल के उस तरफ मुझे जाना है। तो काफ़ी दूर आ चुका हूँ अभी। अब भाई साहब किसी से गाड़ी में लिफ्ट मिल जाए ब्रदर, तो लिफ्ट दे दो यार। ओ भाई साहब लेकिन गाड़ियाँ बड़ी बड़ी चल रही है यार ये सब गाड़ियों में। देखता हूँ कितना आसान और डिफ़िकल्ट रहता है यहाँ पर रिचाई करना आज। मेरे हिसाब से इनके पास प्लेस तो है स्टॉप करने के लिए, बट कोई रोके तो ना। भाई साहब के पास तो जगह ही नहीं थी, कहाँ से रोकेंगे। इस बार थोड़ी लंबी ही चाइक करने वाला हूँ मैं। यहाँ से मुझे जाना है अबखाज़िया, जो कि आई थिंक 7-8 घंटे की ड्राइव है। तो देखता हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस। पीछे जो भाई साहब है थोड़ा पूछ रहे हैं क्या कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक ठाक जगह मिली है, बट कभी कभी लग रहा है कि यार नहीं यार ये अच्छी जगह नहीं है, पता नहीं क्या करूँ। तो चलो थोड़ा चलूँ जाके, उधर चलता हूँ पैदल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। चलो इस तरह भी चलते हैं, लिफ्ट ने लिफ्ट आ जाए तो लिफ्ट कल मिली जाएगी। तो भाई जॉर्जिया में पहले लिफ्ट का जुगाड़ हो गया है। अब इस भाई साहब के साथ जा रहा हूँ, ये सेका जा रहे हैं, इस भाई साहब के साथ सेका ही चलेंगे। पहले लिफ्ट थी मेरी ये, पता नहीं कौन सी कार है। बहुत सारे जो कहीं छोटा मोटा ट्रक नहीं होता उससे ये लोग कहीं जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हालांकि इतनी दूर नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी पहले ही लिफ्ट बड़ी आसानी से मिल गई जॉर्जिया में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर चाय करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बताता हूँ आगे अगली लिफ्ट का जुगाड़ कैसे होता है और मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। तो भाई साहब ये थी मेरी पहली लिफ्ट, ये पता नहीं कौन सा ट्रक काइंड ऑफ ट्रक था। आ गया हूँ पता नहीं मत सेका नाम की सिटी है। नाम यहाँ काफ़ी डिफिकल्ट है, प्रोनाउंस करने में काफ़ी डिफिकल्ट होती है। अब मैं उस तरफ निकलूँगा, उधर से बोला उन्होंने भाई साहब की गोड़ी का रास्ता इधर से चला जाएगा, इधर चले जाएगा ये मत्सेका सिटी, जो छोटी छोटी सिटी है। यहाँ पर इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है, गाँव बोल लो कस्बा बोल लो, ये गोड़ी सिटी काफ़ी फेमस है। लेकिन हालाँकि गोड़ी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले अपना बैग उठा लेता हूँ। अपना बैग मैंने यहाँ पर फेंक रखा है। और भाई साहब साइड कर लेता हूँ थोड़ा बैग, पहले दो दो बैग लेके ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार। ये दीपांशु भाई का बड़ा वाला बैग है क्योंकि इसमें टेंट वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन गोड़ी सिटी फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे स्टालिन का जन्म हुआ था। स्टालिन ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, जैसे स्टालिन किसको नहीं पता वो उसके बारे में। तो ये भाई देखो क्या एकदम ब्यूटीफुल माउंटेंस के साथ मैं हिचाइक कर रहा हूँ अभी, और इस तरफ कुछ इधर है। उन्होंने हाय कहा बट उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई थिंक इधर ही जा रहे हैं ये, हाँ इधर ही जा रहे हैं। इस तरफ चली गई सिटी और उस तरफ चले गया गोड़ी शहर, तो मुझे जाना है उस तरफ। ये भाई साहब से पूछूं किधर जा रहे हैं, क्या घोड़ी वगैरह जा रहे हैं क्या, पूछ लेता हूँ अगर जा रहे होंगे तो। रथ घोड़ी नियत नियत दाता ते मत्से का
कैसे करता खरश खरश स्पष्ट। यहाँ पे लोगों को रशियन थोड़ी मोड़ी आती है, ऐसा कि नहीं कि रशियन नहीं आती है, यहाँ पे लोगों को रशियन आती है। यहाँ पे मेरे पीछे दो बहन जी थी, वो जो मेरे पीछे जा रही है, मैं जाके पूछा कि कहाँ पे जा रहे हो, इधर से गई थोड़ी सी, इसके बाद बोलती है कि नहीं मैं जा रही हूँ स्विमिंग पूल की तरफ। मैंने कहा ठीक है फिर, मुझे क्योंकि मुझे जाना है गोड़ी, मुझे स्विमिंग पूल वगैरह नहीं जाना है अभी, अभी मुझे गोड़ी जाना है। गोड़ी के बाद कुतैसी, कुतैसी के बाद एकदम क्या कहता है बॉर्डर छोटी है अबखाजिया के साथ, मैं जा रहा हूँ अबखाजिया आज के लिए। आपकी देखो एंट्री मिलती नहीं मिलती, बट ट्राई तो जरूर कर सकते हैं। भाई साहब कहूँ तो काफ़ी हवा चल रही है भाई, मैंने मास्क लगा लिया क्योंकि मैं सुपर मार्केट के अंदर गया था। मैंने वहाँ से ये ऑरेंज जूस लिया और एक रेडबुल लिया है, क्योंकि आज दिन भर लकी लंबी चाय होने वाली है। ट्राई करता हूँ, ऐसा रहता है मेरा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। भाई साहब रोक दो, हालांकि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो पता नहीं आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी, वीडियो कैसी आ रही होगी। ये रोक रहे हैं क्या भाई साहब? आई थिंक भाई साहब रोके नहीं, रोके या रोके, मेरे लिए रोका है किसके लिए रोका है, कन्फ्यूज़ है कि यहाँ पर एक बंदी भी खड़ी हुई है, तो मुझे नहीं पता कि किसके लिए भाई साहब रोका। चलो देखता हूँ, हिचाइक चल रहा है यहाँ पर, छोटा सा लिफ्ट था बट अच्छा खासा बड़ा, मैं बाहर आ गया अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास मैं बाहर आया हूँ, और अभी बहुत दूर जाना है। उस तरफ काफ़ी गर्मी थी जहाँ पर मैं था, हालांकि काफ़ी मोड़ था तो वहाँ पर रोकने की जगह नहीं थी। यहाँ पर रोकने के लिए भाई साहब के पास अच्छी खासी जगह है, यहाँ पर देख लो ये पूरा एकदम रोकने वाला एरिया है, तो मुझे लगता है यहाँ से कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी, बाकी देखो क्या होता है। ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक 25-50 पहाड़ कार हुई होगी, रोक नहीं रहा कोई, पता नहीं देखो क्या होता है। नहीं रुक रहा अभी तक तो, चलो अभी नहीं तो कभी तो मिल ही जाएगी भाई, वेट करना पड़ेगा। मेरा बैग यहाँ पे रख दिया मैंने, और बहुत सारी कार आ रही है, इधर रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ से रेलवे पास हुई थी मेरे सामने अभी, नहीं मना कर दिया साफ साफ, तो ये भाई साहब नहीं देने वाले हैं, ये भाई साहब दे सकते हैं, नहीं इनके पास जगह है लेकिन दिया नहीं उन्होंने। ये तो भाई कुछ कार वगैरह है, रुका गया, हाँ रुका तो है, बाकी देखता हूँ कहाँ तक जाती है ये। भाई अगली जो बड़ी सिटी है यहाँ पे गोड़ी है, तो जैसे मैंने भाई साहब को बोला कि जाना है गोड़ी, उन्होंने रोका ही नहीं, चले गए, वो भाग गए, मतलब वो हो सके थोड़ा दूर ही जाते हो, गोड़ी नहीं जा रहे होते, क्या ऐसा जा रहे होते, बट समझ नहीं पाए भाई साहब हिचहाइकिंग को। तो यार अब अगली दो तीन जितनी भी सिटीज़ हैं अराउंड 100 किलोमीटर के रेडियस में, सबको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पैसा गिर रहा है, क्योंकि हो सके सारे लोग गोरी नहीं जा रहे होंगे। ये भाई साहब तो बड़े दूर से निकल गए, गर्मी हो गई है भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा एरिया है सुपर मार्केट है आगे में, वहाँ पे जाकर लोगों से पूछो क्या, हो सके वहाँ पे लिफ्ट मिल सकती है, ट्राई करता हूँ। तो भाई लंबी वेट करनी पड़ी थी, बट लंबी वेट के बाद एक छोटी सी राइड वापस से मिली है, इससे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है, क्योंकि मैंने जो रूट ले रखा है वो थोड़ा गांव वाला रूट ले रखा है, मतलब मैंने हाईवे को नहीं पकड़ा, अब थोड़ी सी गलती हो गई और मैं इधर आ गया, हाईवे को नहीं पकड़ पाया, इसलिए लिफ्ट नहीं मिल रही है। भाई साहब जैसे कि मैं दूसरी लिफ्ट दी है, बट छोटी लिफ्ट मिली होती, बड़ी भी लिफ्ट नहीं मिली है, देखता हूँ क्या होता है, कितना छोटा छोटा लिफ्ट मिल के मुझे गोड़ी पहुँचना पड़ेगा। गोड़ी थोड़ी बड़ी सिटी है और मैं गाँव वाला एरिया लेके जा चुका हूँ, ऐसा होता है ना कि एक हाईवे होता है जो कि सीधा जाता, मतलब बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है, एक होता है कि रोड छोटे छोटे गांव से होते हुए बड़े शहर की तरफ जाता है, तो मैंने एक गलती से वही रूट ले लिया, क्योंकि अब मेरी गलती भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भाई साहब मुझे यहाँ पे लेके, मुझे लगा था पहले यहाँ पे मिल जाएगी, बट जब लेके आ रहे थे मैंने हाईवे को देखा यार वहाँ पर रोकने की कोई जगह नहीं थी, और फिर मुझे लगा नहीं यार चलो छोटी छोटी चलते हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा वेट लंबा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ी ज़्यादा राइड लेनी पड़ सकती है, बट एक बार मैं गोड़ी पहुँच जाऊँ तो फिर मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ ऐसा नज़ारा है वैसे यहाँ पे आसपास का, रोड काफ़ी यहाँ पे शानदार है, और जो माउंटेन्स है, बड़ा कंट्री आपको पता ही है कितनी माउंटेन्स हैं इस कंट्री में, तो उसी तरफ निकल रहा हूँ, कि भाई साहब का नाम मैंने पूछा नहीं बट लेके जा रहे हैं। ब्रदर व्हाट्स योर नेम? जॉर्ज। जॉर्ज, लॉट ऑफ पीपल हैव नोन नेम जॉर्ज हियर, लॉट ऑफ पीपल हैव नेम जॉर्ज, नेम जॉर्ज, लॉट ऑफ पीपल लाइक मैंने मनोगर मनोगा जॉर्जिस की नेम जॉर्ज, काफ़ी लोगों का यहाँ पे नाम जॉर्ज है, ये ऐसे में बात कर रहा था इस भाई साहब से, यहाँ पे लोगों को रशियन उतनी नहीं आती, जो मेरे हिसाब से इनकी जो रशियन है मेरे लेवल की है उनसे कम ही है, तो ऐसा है भाई मुझे रशियन की तरह 10-15% या 20% आती होगी एट मैक्स, ये
है भाई। ये भाई साहब ने जिस तरह मैंने बताया था कि लंबी लिया राइड तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है ये काइंड ऑफ ठीक ठाक राइड यहाँ पे ही मिला है। ये एक छोटा सा गांव है, इसी गांव के थ्रू मैं पास हो रहा हूँ। सामने पता नहीं अच्छे अच्छे माउंटेंस है, ये कौन सी बिल्डिंग है पता नहीं, और मैं हिचाइक कर रहा हूँ अभी भी। इस तरफ कोई ना कोई राइड तो मिल जाएगी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ इधर से पास तो हो रही है। बस भाई साहब गोरी तक लिफ्ट मिल जाएगा, और गोरी पहुँच जाऊँ तो फिर ठीक है, अपना हिसाब किताब सही रहेगा। ये भाई साहब ने लिफ्ट दिया था। मधुलोभा प्रथ मधुलोभा भाई साहब को थोड़ी मोरी रशन आती थी तो मेरी बात वगैरह हो रही थी, वो बोल रहे थे कि तुम काफ़ी ब्रेव हो। थैंक यू भाई साहब, इनको ये अच्छी कार है, अच्छी कार के लिए रुकती है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। लेकिन हालांकि मेरी पहली कार जो थी तो पहले ही चेकिंग एक्सपीरियंस था, वो अच्छी कार मिली थी। लेकिन देखता हूँ वापस से कौन भाई साहब राइड देते हैं। रेट दे दो भाई साहब ने रोक दिया, वाह देख रहे हो क्या सही है। ट्राई करता हूँ मैं अभी तक। गोड़ी आर यू गोइंग टू गोड़ी? No. How far you are going? Yes. How far? This way? Yes. Yes. How many kilometers? 25-30 bro. Can I come? 30 kilometer? Okay, bro. Thank you very much brother. चलो भाई 30 किलोमीटर के लिए वापस से लिफ्ट मिल गई है। थोड़ी मोटी अंग्रेजी भी बोलते हैं तो बेहतर रहेगा। Thank you brother very much. You're welcome bro. Come here. Okay. Thank you. Sit down. Thank you. चलो 30 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिल गई ना, बहुत है। What's your name, brother? My name is Zura. 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 Zura and Aifir? No, Zura. Zura and your name? Miro. Zura Miro. My name is Shubham. Shubham. Where are you from? Shubham. India. India. Yeah. How many times here? It's my first time. First time. In Georgia. Where are we going? I'm planning to go to Kutaisi. Gori in Kutaisi, yeah. You're a blogger? Yeah, blogger and hitchhiker. Hitchhiking. Ab to stop. Chalo bhai sahab, dekhta hu kahan tak jaate hain. Kaafi acche log hai ye to. Bhai sahab ko is taraf jana tha, right ke area mein. Mujhe jana hai seedha. To kind of bhai sahab ne gaon mein laake chhod diya mujhe. Gaon mein itna na supermarket hai, choti moti gaon hai. Ab ye bhai sahab udhar lagta hai kuch swimming pool wagaira ki taraf gaye the, ekdam nangi ghum rahe hain. चलो अभी चलता हूँ उधर जाके। हाय ब्रदर, हाउ यू डूइंग? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ तो जुगाड़ मिल ही जाएगा। नहीं जा रहे भाई साहब, कोई नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं, सिटी के बाहर निकलते हैं तो होता है कि लिफ्ट मिलेगी। मिलना तो है ही भाई, मिलना तो है ही, अभी नहीं तो कभी तो मिलेगी ही। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पर लिफ्ट का जुगाड़ वगैरह है। आई थिंक काफ़ी खाली एरिया, यहाँ पे एक भाई साहब कोई भी रोक सकते हैं। तो ये भाई साहब जा रहे हैं क्या कहीं, ट्राई करें क्या? भाई साहब ने रोका, सही है यार, लिफ्ट आसान है। लोड़ी गोड़ी 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 आ रहा है, गोड़ी आ रहा है। इस तरफ ये स्कूल का किलोमीटर तू दा गोड़ी दा या ना दा गोड़ी बट स्कूल का किलोमीटर तू दा ये भाई साहब ने कहा कि यहाँ से गोड़ी 25 किलोमीटर दूर आगे पड़ गया है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, ये यहीं पर रह रहे हैं। चलो कोई नहीं, आगे चल के कोई ना कोई जुगाड़ तो ही ले जाएगा। हाउ यू ब्रदर, हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड, ओके। भाई साहब को इंग्लिश ना आती थी, थोड़ा भाई साहब थोड़ा नर्वस से हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब आई थिंक आगे चल के थोड़ा रास्ता मिलेगा जहाँ पे गाड़ी भाई साहब का गाड़ी रुक सके। काफ़ी छोटा सा इलाका लग रहा है यार, एकदम इंडिया वाला यार लग रहा है कहीं ना कहीं। देखो छपड़िए हैं, घर टूटी फूटी पड़ी हुई इधर। अरे ये तो वाइन शॉप है, यहाँ पर वाइन काफ़ी बनता है ना, जैसे कि आपको पता हो जॉर्जिया में वाइन काफ़ी बनता है और काफ़ी एक्सपोर्ट भी यहाँ से होता है। वन ऑफ द बेस्ट वाइन भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर वाइन का काफ़ी चलन है। हालांकि यार मैं किधर जा रहा हूँ यार, इस सारी तरफ कोई छांव तो है नहीं, सिर्फ गर्मियाँ लगेगी यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा। फिर तो चलो देखता हूँ आगे जाके। अब भाई पता नहीं, आई थिंक ये चौथी या पांचवी राइड होगी। और ये भाई साहब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो रोड चूज़ कर लिया वो हाईवे चूज नहीं था, छोटे मोटे गाँव से था, पर अच्छा लैंडस्केप है सच में तो। छोटे छोटे रोड हैं लेकिन अच्छा लैंडस्केप है यहाँ पे। छोटे से गाँव है भाई साहब छोड़ेंगे मुझे अभी, उसके बाद ये देखो गोड़ी जाना है मुझे पहले, गोड़ी का खास ऐसा रीज़न है कि भाई साहब मुझे यहीं भी कहीं छोड़ने वाले हैं, इतना मुझे लग रहा है।
उन्होंने मुझे दिया अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास की लिफ्ट। ठीक है, ये भाई साहब चले गए सीधा इस रोड में, चले गए मिल जाना है इस रोड में। काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे, छोटा सा मार्केट है लेकिन क्या दिख रहा है भाई, देखो क्या शानदार माउंटेंस दिख रहे हैं इधर। हालांकि इस छोटे से कैमरे से उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, साफ क्लियर नहीं आ रहा होगा, छोटा सा गोप्रो यूज कर रहा हूँ। अगर अच्छे कैमरा से रहें, मन कर रहा है यहाँ पे ड्रोन फुटेज लिया जाए, क्या लोग क्या ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन काफ़ी लोग हैं यार हो सके देखने लगेंगे, पता नहीं यहाँ पे ड्रोन का क्या लॉ वगैरह है नहीं। हालांकि हाल ही में मैंने ड्रोन लिया तो ड्रोन उड़ाने का मुझे काफ़ी मन करते रहता है, मैं ड्रोन उड़ाते रहता हूँ। तो ये है भाई अभी फ़िलहाल, क्या मस्त दिख रहा है ना। अब मैं जाता हूँ वहाँ पर जाकर हिचाइक करता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है हिचाइकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर। भाई एक छोटी लिप मिली थी इस ट्रक के पीछे, अब जाना पड़ेगा वापस से। मैंने कहा था कि बहुत छोटी छोटी आज लिप मिल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था आज दिन उतना अच्छा नहीं है। हालांकि यहाँ पर था मैं इस छोटे से ट्रक पे, छोटा सा ट्रक पे हिचाइक कर रहा था पीछे। ओह ये है मेरा ट्रक, अब बैग नीचे उतार लेता हूँ। ये भाई साहब मुझे जाना है गोरी, ये भाई साहब गोरी नहीं जा रहे हैं, सॉरी दीपांशु भाई आपका बैग ऐसे ऐसे पटका जा रहा है बट ऐसे ही। ओ भाई साहब मेरा कैप ही गिर गया, इस ट्रक के बोरों के ऊपर बैठा हुआ था पीछे में। बाय बाय दसविदानिया, ये है क्या व्यू दिख रहा है इधर से। ये भाई साहब चले जाएंगे इधर, मैं जाना है सीधा, गोड़ी सीधा है, वाह सीधी रोड है भाई, एकदम पूरी सीधी रोड है यहाँ पे। हाओ ये है भाई हिचाइकिंग का एक्सपीरियंस, क्या मज़ा आ रहा है हिचाइकिंग करने में आज। अभी तो बहुत दूर जाना है भाई, अरे हर जगह यहाँ पे आपको US ऐड मिल जाएगा यार, US ऐड, चाइना ऐड, हर जगह आपको क्यों मिल जाएगा यहाँ पे। ये जो सामान जो दिख रहा है US ऐड का है। चलो थोड़ा कैफी पीते हैं, एनर्जी आएगी, ये उसके बाद चलेगा आप वापस सही चाय करने के लिए। ये भाई साहब कुछ तो आ रहा है, रोक देंगे। तो फाइनली भाई गोरी के लिए लिप मिल गई है, गोरी पहुँच जाऊँगा अब कुछ समय में गोरी पहुँच जाएगा मैं। भाई साहब को लग रहा है क्या बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैमरा निकाल के भी बात करने लगा, तुरंत लिप मिलते हैं। चलो कोई नहीं, बहुत ही जल्द गोरी पहुंचता है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। भूख लगी तो अब गोरी में खाना पीना खाऊंगा, गोरी में थोड़ी सेंटर घूम लूँगा मैं भी, और उसके बाद निकलूँगा मैं आगे कुतैसी, और कुतैसी के बाद दीदी की तरफ निकलूँगा मैं, जहाँ से मैं क्रॉस कर पाऊँ बॉर्डर। थोड़ा सा एरिया, अच्छे लोग, काफ़ी अच्छे लोग हैं जॉर्जिया में भाई। तो भाई साहब वो काफ़ी अच्छे थे जो यहाँ पे पहुँचाया मुझे, हालांकि उनको हिचाइकिंग का ज्ञान नहीं था, तो क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, हिचाइकिंग वगैरह क्या होता है, उनको उनका कॉन्सेप्ट पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे एक देख लो कहाँ ला के छोड़ दिया, बस स्टेशन ला के छोड़ दिया भाई, सिटी से काफ़ी बाहर था, अराउंड 7-8 किलोमीटर बाहर वो लेके मुझे आए बस स्टेशन, क्योंकि उन्होंने कहा जहाँ से तुम पैसे ले लो। मैंने कहा भाई हिचाइक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बस लेना नहीं चाहता, हिचाइक कर रहा हूँ। अब क्या है कि अगर यार ये चलना पड़ेगा उधर काफ़ी दूर अगर मुझे हिचाइक करना है तो, और उसके बाद ये कुतैसी वाला रोड नहीं है, मतलब फिर मुझे वापस से हवे जाना पड़ेगा, टैक्सी वगैरह वगैरह लेनी पड़ सकती है, बात बराबर ही पड़ जाएगा। देखता हूँ क्या करता हूँ, आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, जहाँ पर मैं पूरी अपडेट डाल रहा हूँ फिलहाल इस ट्रिप की भी, और अगले ट्रिप की भी जितनी ट्रिप होगी मैं अपडेट पहले डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो कृपया फॉलो कर लें नोमैड शुभम। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वाले वीडियोस देखते रहें। और क्या, ये था बस स्टेशन जहाँ से मैं चेक कर रहा था।